बीच महाराष्ट्र में भी भीषण पानी की किल्लत जो है वो बढ़ गई है। गर्मी तो है ही है, लेकिन अलग अलग जिले ऐसे जहां पर बूंद बूंद पानी जुटाने के लिए लोगों को कई कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। जो घर की महिलाएं हैं वो हाथों में बर्तन लेकर पहुंचती हैं उस बूंद बूंद पानी को समेटने के लिए। महाराष्ट्र के कई गाँव में पानी की भारी किल्लत, महाराष्ट्र के कई गाँव में सूखे से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच में मुंबई में पानी की किल्लत और ज्यादा बढ़ गई है। इस किल्लत को दूर करने के लिए क्या इंतजाम है? कई जिले, कई गांव ऐसे हैं जहां ऐसा जो पानी की किल्लत है वो 12 महीने देखी जाती है, लेकिन अब गर्मी में और ज्यादा बढ़ गई है। प्रथमेश, बात करें तो आज सुबह से अगर बात करें तो 7 बजे से बारिश शुरू है यहाँ पर। अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बीएमसी की तरफ से भी यहाँ पर पानी की जो कटौती है वो घोषणा की गई थी। इसके बाद बीएमसी लगातार जो है नज़र बनाए रखा हुआ था। और आज यहाँ पर मुंबई में अगर बात की जाए तो शायद ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़ा लोगों को राहत मिल सकती है पानी के कारण, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह से ही बारिश हो रही है। भले हल्की हल्की बारिश हो रही है पर मुंबई में बारिश हो रही है और लगातार जो लोगों को है फिलहाल जो राहत, अगर वेदर की बात करें तो वेदर से भी लोगों को राहत मिल रही है। और पानी की अगर बात किया जाए तो जो यहाँ का जो जल है, जिनके जो जल जहाँ जल भरा होता है, जो तालाब है वहाँ की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसके बाद बीएमसी ने यहाँ पानी की कटौती कर दी थी। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो अलग अलग गांवों में भी बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत थी। और जिसके बाद टैंकर की सुविधा की गई थी सरकार की तरफ से, और लगातार जो टैंकर है वो लोगों तक पहुँचाया जा रहा था उसके ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसी सिचुएशन फिलहाल जो महाराष्ट्र में है और ये जो बारिश हो रही है तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। जो जल का जो भराव है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जो लेवल है वो भी बढ़ेगा इससे अगर ये बारिश से। जी, उम्मीद करते हैं कि जो बारिश है लोगों के लिए राहत लेकर आए, गर्मी भी दूर करे, पानी की किल्लत भी दूर करे। जिस तरीके की दिक्कत अभी सामने आ रही है रवि, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्से भी हैं जहाँ पर पानी की किल्लत लोग झेल रहे हैं, क्या जरूरी इंतजाम? चूंकि अगर टैंकर भेजे जा रहे हैं तो वो तो टेम्परेरी बेसिस पर हुआ, सोल्यूशन हुआ, परमानेंट सोल्यूशन के लिए सरकार के कदम क्या है? रवि, अनम्यूट कीजिए पहले खुद को, आवाज नहीं आ रही आपकी। रवि तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और रवि के साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं पानी की किल्लत से जो जूझ रही हैं, उनसे भी बात करने की आगे कोशिश करेंगे। इतने हम रवि से कनेक्टिविटी ठीक करें। रवि, आवाज मिल रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल रचना, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तस्वीरें दिखाइए, प्रॉब्लम बताइए। रचना, मैं आपको बता दूं, बालोद जिले के मैं गुरु ब्लॉक में हूँ। गुरु ब्लॉक का ये वो हिस्सा है ग्राम मुरगहन का, जहाँ पे जो भीषण पानी की समस्या से यहाँ पे ग्रामीण जूझ रहे हैं। मैं 2 दिन पहले ही यहाँ के ग्रामीणों ने कलेक्टर दरबार में जनदर्शन में यहाँ पे गुहार भी लगाई थी पानी को लेकर। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये गुरु ब्लॉक वो गुरु ब्लॉक का हिस्सा है जहाँ 2019 में पूरे भारत देश में 257 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें ये गुरु 8वें नंबर पे था। और पानी की समस्या को लेके इसे रेड जोन पे यहाँ पे रखा गया था। बावजूद वर्तमान स्थिति में 2024 हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, 2024 में भी गुरु ब्लॉक जो है क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ रखा गया है, जिसकी वजह से जो जिला प्रशासन है लगातार घर घर जाकर जो सोखता गड्ढा होता है उसे लेकर यहाँ पे मुहिम चला रहा है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर भी यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पे बाल्टी लेके, गुंडी लेके अपने अपने संसाधनों पर यहाँ पे पानी भरने के लिए आई, यहाँ पे आई हुई है, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिस मुरगहन गांव में अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मात्र एक सोलर जो पैनल है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके सहारे यहाँ के जो ग्रामीण है मात्र उन्हीं के सहारे यहाँ पे जो पानी से यहाँ पे जूझ रहे हैं। जी रवि बता रहे हैं कि कैसे ग्रामीण महिलाओं को पानी की दिक्कत है और हाथ में वही बर्तन लेकर कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और फिर जाकर थोड़ा सा पानी मिलता है। आयुष मेरे साथ दिल्ली से हैं। आयुष, क्योंकि दिल्ली में पिछले कई दिन से ये समस्या बनी हुई है, लोगों के घर में पानी नहीं है, टैंकर पहुंचता है तो उनका नंबर नहीं आता, टैंकर को लेकर भी मुनाफाखोरी हो रही है।
जी बिल्कुल रचना, ऐसे ही एक इलाके गीता कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर टैंकर के माध्यम से पानी भेजा जा रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि गीता कॉलोनी का ये वो इलाका है जहां पर दो बार पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन ये दो बार पाइपलाइन पे जनता की गाड़ी कमाई का, टैक्स का दिया हुआ पैसा बर्बाद करने के बाद भी एक बूंद पानी उन पाइपलाइन के माध्यम से इस इलाके तक नहीं पहुंचा। अभी भी यहाँ के लोग मजबूर हैं, पिछले 24 सालों से टैंकर से पानी यहाँ पर लोगों को भरना पड़ रहा है। सन 2000 से ये समस्या है। ये बाल्टी आप देखिए, लोगों के घरों के बाहर बाल्टियों का पहाड़ बना हुआ है, एक का एक चार बाल्टियां एक के ऊपर रखी गई हैं, और यहां से ऐसी कतार आपको देखने को मिलेगी, हर घर के आगे यहाँ पर बाल्टियां होंगी, ड्रम होंगी और बर्तन ऐसे ऐसे होंगे जहां पर पानी लोगों ने भरकर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता। पीने के पानी के लिए लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि इस क्षेत्र में सुबह 4 बजे से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 7 बजे यहाँ पर टैंकर आता है तो 3 घंटे पहले ही लोग तैयार हो जाते हैं कि कहीं उनके हिस्से का पानी खत्म ना हो जाए, या जब तक उनकी बारी आए तब तक कहीं टैंकर खाली ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो कैन यहाँ पर रखी हुई है, नीले रंग की कैन है, एक नीले रंग की बाल्टी है, ये सब इसीलिए लोगों ने रखी हुई है ताकि उनके परिवार को पीने का पानी किसी तरीके से यहाँ पर मिल जाए। कुछ लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो इसी इलाके में रहते हैं, उनसे भी अब हम जुड़ते हैं, बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद पोद्दार है। ये समस्या आ रही है यहाँ पर पानी को लेकर, कब से ये परेशानी है? ये तो सर्दियों में तो सर थोड़ी कम होती है, लेकिन गर्मी में तो बहुत ज्यादा होती है। टैंकर यहाँ पर आता है, एक घर के लिए कितने टैंकर आ रहे हैं? एक घर के लिए नॉर्मली कम से कम यहाँ 5-7 हज़ार की जनसंख्या है। हम इस पार उस पार में अगर तो दो कॉलोनियाँ हैं ना, सफ़ेदा और नर्सरी बस्ती है, एक टैंकर आती है इधर। अच्छा। जो पर्याप्त नहीं है। देख सकते हैं रचना, इन्होंने बहुत बड़ी बात अभी बताई है कि 7 हज़ार लोग इस झुग्गी में रहते हैं, इस झुग्गी की जनसंख्या लगभग 6.5 से 7 हज़ार है, और उसके लिए बस एक टैंकर, पूरे दिन में सिर्फ एक टैंकर यहाँ पर आता है, जो जाहिर सी बात है कि इस पूरी झुग्गी के लिए पर्याप्त नहीं है। समस्याएं होती है, ढलान नुमा ये रास्ता है, क्या लोग गिर जाते हैं यहाँ पर, क्या क्या दिक्कतें आती है पानी भरने में? सर यहाँ इस रास्ता से कम है, ऊपर का जो रास्ता है ना वहाँ से कई एक बार फिसल, बच्चे भी लेडीज जेंट्स सब भी ऊपर खबर का रास्ता ऐसे निकलने में तो वो फिसल भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, कई को चोटें भी आ चुकी है। कई लोगों को चोटें आती है पानी भरते हुए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी समस्या है पानी की तो। हाँ जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह से आप लोग लाइन लगा के खड़े हैं और जब तक आपका नंबर आया तब तक पानी ही नहीं बचा? कई बार गाड़ी नहीं आती पानी, रोज का नियम है कि पानी नहीं बचता। ऐसा नहीं है जिस दिन 40-50 आदमी वापस न जा भी कर पानी मिले, ये तो डेली का नियम है। कभी कभी हुआ है कि आप लोग 3-3 घंटे लाइन लगा के खड़े रहे और पानी नहीं आया? हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाड़ी नहीं आती, पानी नहीं आती, सारे वापस रिटर्न, फिर पानी खरीद के पीने पर मजबूर हो जाते हैं। और समस्या है कि यहाँ से पानी खरीदने के लिए भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आसपास बेचा भी नहीं जाता है यहाँ? यहाँ नज़दीक है ही नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, सब यहाँ से लोकल बस्ती हैं, तो पानी लेने के लिए भी कम से कम 1 किलो दूर जाना पड़ता है, वो सर पर रख के लाना पड़ता है, क्योंकि अपना साधन तो पर्सनल है नहीं किसी के पास, ये सबसे बड़ी समस्या होती है गाड़ी की, पानी की। देखिए रचना, कितनी बड़ी बात इन लोगों ने बताई है कि 7 हज़ार के करीब यहाँ पे जब इस बस्ती की आबादी है उसके लिए एक टैंकर आता है, और कई बार ऐसा होता है कि सुबह 4 बजे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पर पानी के ड्रम और बाल्टियाँ लेके कतार लगाते हैं, और 3 घंटे बाद मालूम पड़ता है कि टैंकर तक इस क्षेत्र में नहीं आया, उस दिन का टैंकर आएगा ही नहीं। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि टैंकर आता है, लोग 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि उनके हिस्से का पानी खत्म हो चुका है। तो ये समस्या जो है इससे दिल्ली की आम जनता को परेशान होना पड़ रहा होगा, क्योंकि वक्त बदलता है, सरकारें बदलती हैं, वादे वही होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी बेसिक सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, जिसमें पानी एक बहुत बड़ा रोल है। गर्मी पर आपका और हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन पानी को लेकर कुछ परमानेंट सॉल्यूशन सरकारों को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना भी ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, और पानी की समस्या से जुड़ी आगे जो भी खबर होगी आप ही लोगों के जरिए अपडेट और तस्वीरें हम